तो हेलो नमस्कार एंड जय श्री राम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग और वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई आज हम मौजूद हैं डेजर्ट में और यहाँ पर जी एक हिंदुओं की बहुत बड़ा विलेज है, तो आज हम इसे दिखाने वाले हैं आप लोगों को। और यहाँ पर छोटा सा दो मंदिर, छोटे छोटे दो मंदिर भी बने हुए हैं जो कि कच्ची मिट्टी के ज़रिए बनाए गए हैं, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। और पूरा का पूरा डेजर्ट है यहाँ पर, देख सकते हैं आप लोग, और यानी कि रेगिस्तान है। तो हम आपको दिखाते हैं, तो वीडियो को लाइक करना है और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दो। तो अभी हम चलते हैं जी। और ये बहुत बड़ा गांव है जो कि हिंदुओं का ही है और सब जो है मड हाउस यानी कि मिट्टी के घर बने हुए हैं, ठीक है। तो अभी चलते हैं जी और आगे जाकर दिखाते हैं। तो हमारे साथ मौजूद है ये भाई साहब। राम राम भाई। जय श्री राम। क्या नाम है आपका? आपका जुम्मा। जुम्मा जी, तो जुम्मा जी हमें लेकर जा रहे हैं जी और दिखाएंगे पूरा गाँव। तो ये गाँव इस तरह का बना हुआ है। तो ये सब घर जो है गाइस, ये हिंदुओं के हैं और बट्टी के बने हुए हैं। तो सामने ये मंदिर है और हम चलते हैं सबसे पहले मंदिर पर। और यहाँ पर जो है ये इसे ना सिंध में चवरे, इस तरह के चवरे भी कहते हैं और साल भी कहा जाता है। तो इसका ये होता है कि ये दोनों गिरने का बहुत ही ज़्यादा खतरा काम होता है। और ये है जी घर जिसके अंदर हम अब लोग हम जा रहे हैं जी। और इसे ना हमारे जबान में इसे कहते हैं भीतिया, यानी कि छोटी सी चार दीवारी इसे भीतिया कह रहे हैं। और इसके ऊपर जो है वाइट कलर का रंग किया गया है ताकि खूबसूरत लग सके। और इसके अंदर जो है ना गंदम जो कड़क होती है वो रखी जाती है, गेहूँ रखी जाती है। तो आजकल तो लोहे के बड़ोले आ चुके हैं, उसके अंदर स्टोर किया जाता था, लेकिन पहले जो है इस तरह के पट्टी के बनाकर उसके अंदर रखे जाते थे। और ये गाइस आप लोग देख सकते हो इस तरह का गांव है। तो ये है जी इनके जानवर। और ये तीन गाय है, ये छोटा सा बछड़ा है और ये घास देख लो अब खा रहा है। तो इस घर का जो बैर सरबरा है हम उनसे जाकर मिलते हैं। और आप लोग देख सकते हैं पूरा पूरा डेजर्ट रेगिस्तान है जहाँ पर ये लोग रहते हैं जी। और हम जाकर इनसे मिलते हैं और इनकी ज़िंदगी के बारे में जानते हैं कि भाई वो कैसे रहते हैं, क्या काम करते हैं। तो चलते हैं जी। राम राम जी। जय श्री राम। हाँ कैसे हो भाई, ठीक हो? ठीक ठीक। क्या नाम है आपका? राणा जी। राणा जी, तो ये राणा जी है जी। और बाप का नाम धारू जी, पिता का नाम धारू जी। पिता का नाम धारू जी। अच्छा, ये आप क्या कर रहे हो? मैं जी दरख्तों का हिफाजत करता हूँ। अच्छा, इनके इसको कटाई करता हूँ, माल डंगर से बचाता हूँ खाने से। अच्छा, ये नीचे नीचे काट रहे ताकि जानवर ना खाए। हाँ, इसको अच्छा तरीके हिफाजत करता हूँ। अच्छा, तो ऐसे जंगल में हमारा रहना है। हाँ। तो यानी कि माल से बचाना, अगर हाँ माल से जरूर, यानी क्योंकि छांव वगैरह के लिए बहुत छांव की जरूरत होती है। हाँ। कोई माल भी बैठ सकता है, कोई आदमी भी बैठ सकता है। बैठ सकता है। तो हम तो ऐसा काम करता है भाई नेकी का। अच्छा, तो दरख्त तो यहाँ पर बहुत है, वो देख लो किक्कर के दरख्त है। और इसे क्या क्या कहते हैं, खेजड़ी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? कहते हैं मस्कट। मस्कट, मस्कट का दरख्त। बाकी हमारा उधर मेहमाना की झोपड़ी देख लो भाई। हाँ, वो भी इसके बारे में ऐसा गुजारा करता है, ठंडी में ऐसा गुजारा करता है। अच्छा, उस नहीं हमारे पर इतबार है, तो आप उसका वीडियो बना के डेली हम जाकर अभी दिखाते हैं। और इसका अब क्या करोगे, जानवरों को डालोगे या वैसे फेंक दोगे? नहीं वैसे फेंक दे, कांटा है ना भाई। अच्छा, नहीं खाएगा जानवर? नहीं इसको नहीं खाता। ये तो हम हिफाजत कर रहे हैं इसको अच्छे तरीके, दरख्त को हिफाजत करके चार चौफेरे इसको कटिंग करता है, इसको अच्छा बनाता है। और हाँ, खूबसूरत लगेगा ये छाँ के लिए अपना कर रहा है। तो ये नीचे से काट रहे हैं ना, तो ये खूबसूरत लगेगा बहुत ही ज़्यादा। ये नहीं तो चलते हैं जी, इनकी औताक भी देखते हैं और जो इनका घर बना है, आप घर भी दिखाओ ना हमें कि किस तरह आपका घर कैसा है जहाँ पर आप लोग रहते हो। तो हम घर भी इनका देखते हैं। तो गाइस हम इनका घर देखते हैं जी अंदर से जाकर, के घर जो है मिट्टी के जरिए बना हुआ है और औताक जो है वो किस तरह की है।
तो वो जाकर देखते हैं। और बहुत ही ज़्यादा भाई खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, जो कि आप लोग देख सकते हैं अभी वीडियो में। तो ये सारे के सारे जितने भी घर नज़र आ रहे हैं सब हिंदुओं के ही हैं हमारे, और पूरा एक विलेज और हिंदुओं का विलेज है, बहुत बड़ा एक विलेज है और सब मिट्टी के बना हुआ है। डेजर्ट ये क्या होता है? ये तो गिरने वाला, इधर का नुकसान हो सकता है आपका भाई। तो गिरने वाला अभी इतना पैसा टका नहीं है जो इसका सामान लेके इसका तरतीब करना, अभी ठंडी आ रही है। हाँ, ये देखो छत पे बैठ गई है। इधर भी देखो, ऊपर से देखो, ये इसका मिट्टी का काम देखो, पूरा आधा आधा तो गिर गया। ये तो आधा तकरीबन गिरने वाला, छत ऊपर से भी बैठ रही है। और ये देख सकते हो गाइस, आप इधर सारा नीचे यानी कि निकल गई है। तो अभी जो है मेहमानों की, क्या नाम है आपका? स्कूल जाते हो? नहीं जाते स्कूल? क्यों? तो ये छोटे छोटे बच्चे हैं दिन के, और अभी जाकर दिखाते हैं जी मेहमानों की जो ताक बनी हुई है वो। ये भाई हमारी झोपड़ी है। अच्छा, मी भी आता है इस पर गुजारा करता है, ठंडी आता है, गर्मी आता है, देखो ऐसा। अच्छा, बारिश जब आती है तो आप इसके नीचे बैठते हो? हाँ, इसके नीचे गुजारा करता है भाई, क्या करेगा। अच्छा, पानी नहीं आता? फिर पानी आता है, क्यों नहीं आता? कपड़ा गीला हो जाता है, सब बिस्तर गीला हो जाता है, आप भी गीला हो जाता है। तो ये होता है, तो फिर आप जब बारिश आती है तो इसके अंदर तो पानी है, रोटी वगैरह कहाँ पर बैठता है भाई? रोटी पानी है उधर, थोड़ा झोपड़ी बना हुआ है उधर, तरतीब करता है, बाकी ये झोपड़ी में गुजारा करता है। मेहमान आता है तो इसमें गुजारा करता, हम भी इसमें गुजारा करता, क्या करेगा। ये जीत की होता है बैठे, और ऊपर से ये लकड़ वगैरह डालकर, ये तो रोहित से काट कर ले गए। इधर दरख्तों में कोई इधर डाला काटा हुआ है, तो पूरा भाई डेजर्ट का एरिया है। और ये आपके पोते हैं या बेटे हैं? हाँ, ये तीन पोते हैं। अच्छा अच्छा, तो ये राणा जी के पोते हैं जी। और बहुत अच्छा लगा जी आपका घर देखकर, आपको माहौल बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, सादा था, और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और जगह का ठिकाना नाम है, हमको ये लगा जिला लगता है, अपना एरिया लगता है, बागू बाहर 7/30/128 वरनैल। तो भाई ये एक ये बंदर है इस गांव में, तो ये तो टूट चुका है, मिट्टी का है और मिट्टी की छाती जो टूट गई है। तो ये क्या इसे दजा, तो ये देख लो, ये भी गिर चुकी है यहाँ पर। तो अभी इसे बनाने का प्लान बन रहा है जी। तो पहले जो है छत पर ये डाला हुआ था ये बांस इस तरह के, और जो अंदर इसकी तस्वीरें वगैरह लगाई हुई थी, जो मूर्ति थी वो उठा कर ले गए हैं, क्योंकि ये टूट चुका है। ये देख लो, ये इसे बना करना, मरम्मत करके फिर जो है इस पर दोबारा रखेंगे। ये बंदर है जी, देख सकते हो आप लोग। ये बाबा रामदेव जी का है जी, और इसके ऊपर जो वो पांव के जो निशानात है बाबा रामदेव जी के, वो बनाए गए हैं, वो देख लो। तो भाई ये मंदिर आ चुका है, और हम इनसे पूछते हैं कि ये किसका है। और यहाँ पर ये घर देख सकते हो आप लोग। अच्छा यार, इसके बारे में बता रहे, ये क्या चीज़ है ये बनाया हुआ है जो थड़ा? ये थड़ा है। अच्छा, ये किसका? दादा रूपनाथ जी का है ना, ये रूपनाथ जी का थड़ा, और ये भगवा झंडा यहाँ पर लगाया हुआ है। और ये यहाँ पर क्या धुड़ा दुखाता है ना, तो यहाँ पर धुड़ा दुखाया जाता है। और यहाँ पर जी है इस मंदिर, ये देख सकते हैं छोटा सा है, और भगवान का घर जो है कोई छोटा बड़ा नहीं होता है भाई। तो चलते हैं जी अंदर, जूते हम लोगों ने वहाँ पर उतार दिए हैं, और चलिए पहले आप चलो। तो गए जी ये मंदिर है जी, और यहाँ पर जो है बाबा रामवीर है और कृष्ण भगवान की यहाँ पर फोटो वगैरह लगी गई है। तो हम इसे अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करते हैं जी।
जैसे आप लोग देख सकते हैं ये है जी बाबा रामा पीठ और इधर भगवान कृष्णा की मूर्ति फोटो दिल गई है और यहाँ पर हनुमान जी की फोटो है और ऊपर से छत जो है इस तरह की बनी हुई है। तो ये भाई साहब है जिनका मंदिर है जुमा जी नाम आपका और यहाँ पर ये घंटा लगाया गया है घंटी। तो ठीक है हो गया भाई, चलिए अब बाहर। तो ये 128 वार्ड डायल पर रहता है जो कि ये रहब्यार खान का ही एक इलाका है, रहब्यार खान जो हमारा जिला है ना उसका इलाका है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना है और कमेंट करके बताना है कि भाई ये वीडियो आपको कैसी लगी है।